जय सियाराम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है बुध शनि की युति। सभी लग्नों पर इसका क्या गोचरीय प्रभाव होगा, इसी संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि ये मेरे चैनल का 300वां मेरा एपिसोड है और मुझे खुशी है कि मैं 300 एपिसोड बनाने में सफल रहा और इसी महीने मेरे चैनल को पूरे 3 साल भी हो जाएंगे और ये सब आप सबके प्रेम और सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के विषय पर आते हैं। 29 दिसंबर को बुध मकर राशि में जाएंगे, 14 जनवरी को वक्री होंगे, 4 फरवरी को मार्गी होंगे और फिर 5 मार्च तक लगातार वहीं रहेंगे और 6 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी लगभग लगभग 2 महीने से कुछ अधिक ये यहीं पर बने रहेंगे, अपना यहाँ पे प्रभाव देते रहेंगे। बुध कुछ विषयों का कारक है जहाँ वो कंट्रोल करता है, जैसे हमारी वाक शक्ति को कंट्रोल करता है, मामा जी को कंट्रोल करता है, मौसी को, हमारे विवेक को, संतान को, मित्रों को, समृद्धि को, विषय को, हमारे विनय को, हास्य को, व्यापार को, व्यापार के गणित को और नृत्य शिल्प, इन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। तो हमारा लिखना, बोलना, हमारी शब्दों को एक्सप्रेस करना, इनको वो कंट्रोल करता है। अच्छे घर में होगा तो ये सारे कार्य अच्छे होंगे, बुरे घर में होगा तो बुरे होंगे। बुध जा रहा है मकर राशि में, मकर राशि में वो मित्र है, इसलिए ये प्रभाव अच्छा होगा। पहली तो बात ये अच्छी हो गई और एक विशेष बात यह है कि वहीं पर शनि भी लगातार बैठे हुए हैं, इसलिए ये बुध और शनि की युति हुई। तो शनि क्या करता है, शनि बुध का मित्र है। ये दोनों जब एक साथ होते हैं और शुभ स्थिति में हो, जैसे शनि स्वग्रही हैं, बुध मित्र के घर में है, तो ये बुध की सामर्थ्य को बढ़ा देता है, उसकी कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। तो बुध की मुख्य क्वालिटीज क्या है, बोली भाषा, लिखना पढ़ना, अपने मैथमेटिक्स, और शनि उसके परख करने की, उसको चेक करने की, उसको टेस्ट करने की सामर्थ्य देता है। कब कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, किस तरह बोलना है, इन सब चीज़ों की सामर्थ्य शनि उसे देता है। तो यानी आपकी कला में और अधिक निखार आ गया। सिर्फ बुध से आप थोड़ा बहुत लिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन बुध और शनि एक साथ हों तो आपके लिखने की कला को 4 चांद लग सकते हैं, आपके मैथमेटिक्स को 4 चांद लग सकते हैं, इन चीज़ों का बढ़ावा देखने में आ सकता है। तो प्रभाव कैसे होता है किसी भी ग्रह का, कि वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस भाव का वो स्वामी है और कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, तो हर लग्न के लिए अलग अलग हो जाएगा कि वो किस भाव का स्वामी है। पर राहु की लगातार 9वीं दृष्टि बराबर यहां पर पड़ती रहेगी। तो राहु क्या करता है कि राहु एक खास तरह की तीक्ष्णता, खास तरह की राजनीतिज्ञता, खास तरह का टैक्टफुल तरीका देता है। वो भी बुध के लिए अच्छा है क्योंकि वो मित्र राशि में देख रहा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, तो कोई भी स्थिति खराब नहीं है। यानी ये हमारी स्पीड, ताकत, लिखने की कला, बोलने की कला को और धार दे रहा है, और ताकत दे रहा है, राजनीति को और अधिक मजबूत कर रहा है। तो इन सब कॉम्बिनेशन के साथ 2 छोटी-छोटी बातें हमें और समझनी है कि बुध कहाँ का कारक है। बुध 4थे और 10वें भाव का कारक समझा जाता है, वहाँ के लिए वो विशेष प्रभाव देने वाला है और लगन में वो दिग्बली होता है सूर्य के साथ। सूर्य भी लगन में दिग्बली होता है, जब दोनों इकट्ठे होते हैं दोनों दिग्बली समझे जाते हैं। तो अब एक अलग और व्याख्या है, मैं चाहता हूँ उसे भी आप समझें। बुध को भी नपुंसक ग्रह के समान समझा गया है, शनि को भी नपुंसक ग्रह समझा गया है, और जब ये दोनों एक साथ हों तो ये, क्योंकि बुध, खास बात ध्यान दीजिए, त्रिदोषों को, वात पित्त कफ तीनों को संभालने वाला है, और उसकी स्थिति जरा भी ऊपर नीचे हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, जैसे राहु की दृष्टि उस पर पड़ेगी, ये पाप प्रभाव हुआ तो वो इन तीनों को ही गड़बड़ा देता है। खाल की सारी बीमारियां, स्किन पर होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को बुध संभालता है, गले से संबंधित, भाषा से संबंधित, लिखने से संबंधित समस्याएं बुध संभालता है। अब ये दोनों नपुंसक ग्रह हैं, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इनका एक नुकसान ऐसी हेल्थ इश्यूज पर भी आता है जो टेम्परेरी हो सकती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनका लेना देना स्ट्रेस से होता है, तनाव से होता है, क्योंकि शनि तनाव देने का, राहु तनाव देने का मास्टर है। तो एक नई चीज़ क्या सीखी, या
जो एक अलग बात हमने सीखी कि दोनों ग्रह नपुंसक हैं जब ये दोनों एक साथ होते हैं। बेशक लिखने की कला और परख सब बढ़ जाती है, पर इसका स्वास्थ्य पर कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने में आता है, विशेष तौर पर शरीर में कुछ गांठों से संबंधित या खाल से संबंधित समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। तो आप इन सारी चीजों को समझें और एक एक करके आप सभी लग्न पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करें। मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न में कारक नहीं है बुध, क्योंकि वो तीसरे और छठे घर का स्वामी है। छठा घर हमारा त्रिक भाव है और तीसरा त्रिशडाय में आता है, इस हिसाब से बुध यहाँ कारक नहीं है, लेकिन वो दशम भाव में बैठता है और दशम भाव अच्छी स्थिति है, केंद्र है, बहुत अच्छे भाव में बैठा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनके लिखने पढ़ने बोलने, इनकी कला, इनकी ऑफिस को संभालने के अंदाज से इन्हें मान मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, इनके इनकी भाषा से इनके रिश्तों में सुधार देखने में आएगा। हर वो चीज़ जो बुध दे रहा है, जिसके अंदर मैंने एक पूरी लिस्ट आपको अभी गिनवाई थी, मामा मौसी विनय हमारी भाषा, तो ये सब चीज़ों के थ्रू, मतलब शनि जो धार देगा और उसमें परख देगा, राहु जो उसमें स्पीड देगा, उस सबका जो मिला जुला प्रभाव देखने में आएगा वो ये आएगा कि बुध यहाँ आपके लिए किसी तरह नुकसानदायक नहीं, लेकिन क्योंकि तीसरे घर का स्वामी है इस लिहाज से तो फायदा हुआ, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। छठे भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देखने में आएंगी जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आएंगी। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, आपको छाती से संबंधित कोई तनाव, ऐसी कोई समस्या जो खाल की कोई थोड़ी बहुत समस्या है वो देखने में आ सकती है। इसके अलावा ये सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, किसी विशेष उपाय की आवश्यकता भी आपको नहीं होगी। वृषभ लग्न के लिए देखते हैं तो नौवें भाव में ये योग बनेगा और नौवें भाव में अच्छी स्थिति है, पर वो पिता का भाव है, धर्म का भाव है और कुछ और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी उसे देखते हैं। यहाँ ये योग होना शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि ये संतान से संतान का भी है, तो ये पिता के स्वास्थ्य को संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और एक और बात है कि इस पोर्शन से संबंधित जो भी शरीर का हिस्सा रहेगा वहां पे भी खाल की कुछ तकलीफें देखने में आ सकती हैं। राहु यहाँ लगन में बैठते हैं। अब यहाँ पर बुध यहाँ पर दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है, तो इसकी प्लेसमेंट पोजिशन सारी अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत है जो मैं आपको कॉमनली बयान कर चुका हूँ वो जरूर आएंगी, लेकिन लगभग यहाँ पर कोई भी विशेष तकलीफ देखने में नहीं आएगी। संतान को भी थोड़ी बहुत स्किन की या ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है छोटी मोटी, और आपको खुद भी देखने में आ सकती है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। मिथुन लग्न की बात करते हैं तो लग्नेश होकर के वो आठवें घर में चला गया, ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, और चौथे भाव का स्वामी भी आठवें में, तो ये खराब स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी खराब रहेगी, सुखों के हिसाब से भी खराब रहेगी, धन संग्रह के हिसाब से भी खराब रहेगी। तो इसका नुकसान आपको बोली पर, भाषा पर, वाणी पर, सब पर देखने में आएगा। कहीं ना कहीं रिश्तों में कटुता, मामा और मौसी के साथ तालमेल की दिक्कतें देखने में भी आ सकती हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी साधारणतया छठे आठवें बारहवें में गए हुए स्टार गोचर में विशेष फल नहीं लेते, तो मिथुन वालों के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। क्या करना चाहिए? बुध के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, केवल इतना ही कर लेते हैं तो काफी है, बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। कर्क लगन वालों के लिए केंद्र सप्तम भाव में ये स्थितियां बनेंगी, और इनके लिए बुध जो है बारहवें घर का और तीसरे घर का स्वामी है, दोनों ही त्रिक और त्रिशडाय में आते हैं। त्रिक मतलब छठे आठवां बारहवां, त्रिशडाय तीसरा छठा और ग्यारहवां, इस लिहाज से बुध यहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो केंद्र में है, तो इसका लाभ ये होगा कि आपको छोटे भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियाँ और इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेखन कला, आपका जीवन साथी की भी इन स्थितियों में, जिसमें वो लिखना पढ़ना, भाषा, किसी भी एक तरह से मीटिंग्स को हैंडल करना और उसको बड़ी पॉजिटिवली हैंडल करना, या इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो लमसम बहुत खराब वराब कुछ नहीं है, लेकिन कर्क के लिए भी स्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं, उनको भी लाभ होगा, अपनी भाषा, अपने कौशल, अपने सही मौके पे सही फैसला, इससे संबंधित कैसे टीम को रिप्रेजेंट करें, कैसे टीम को इम्प्रेस करें, इस तरह की स्थितियाँ देखने में जरूर आएंगी। सिंह लग्न के हिसाब से इसे देखते हैं तो वो ग्यारहवें घर का और दूसरे घर का स्वामी है, दोनों का ही किसी न किसी रूप से धन से लेना देना है, और ये छठे घर में चला जाता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। धन भाव के लिए भी खराब स्थिति है, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कत आएंगी, भाषा का कड़वापन देखने में आएगा, भाषा का
विरोध देखने में आएगा, क्योंकि रूल ये है कि ये अच्छे भाव में अच्छी स्थिति में होंगे तो लाभ देंगे, अन्यथा नुकसान। तो सिंह लग्न वाले अपनी भाषा की कठोरता के कारण, अपने सही ढंग से बात नहीं करने के कारण भी कुछ नुकसान उठाएंगे, यानी उनकी भाषा उनके लिए समस्या बनेगी। आमदनी में भी कुछ कमियां स्पष्ट रूप से देखने में आएंगी, तो आमदनी के लिए भी थोड़ा नुकसान होगा और भाषा के लिए भी नुकसान होगा। छठा घर हमारी बीमारियों को बिलोंग करता है, इन्हें ऐसी बीमारियां जैसे एक्जिमा या इस तरह की खाल की कुछ बीमारियां भी देखने में आ सकती हैं, और कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। तो ये अच्छा नहीं है, बीज मंत्रों का जाप और कुछ दान करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कन्या लगन, यहाँ लगन के ही स्वामी है और दो दो केंद्रों के स्वामी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। वैसे इसे केंद्र अधिपति दोष भी कहते हैं, जब दो केंद्रों का कोई एक ही ग्रह स्वामी होता है तो ये थोड़ी सी खराब स्थिति है। पर अगर उसका किसी भी तरह संबंध पांचवें या नौवें भाव के स्वामी के साथ हो जाए, यानी केंद्र त्रिकोण दो योग बन जाए, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अब उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो उस सूरत में ये अच्छी स्थिति है, लेकिन संतान के घर में इसका होना कहीं ना कहीं संतान के लिए कुछ नुकसानदायक होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ नुकसानदायक होगा, क्योंकि पांचवा भाव में दो ऐसे ग्रहों का होना जो दोनों ही नपुंसक के कहीं ना कहीं चालाकियां चतुराइयां बच्चों की ऐसी स्पीड जिसका नुकसान होगा। देखिए पांचवें भाव में भी पापी ग्रह होगा, पांचवें से पांचवें में राहु बैठा है, पापी ग्रह होगा, तो संतान के लिए तो कुछ कष्टकारी हो सकता है। आपकी डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, पेट से संबंधित यानी कुछ ऐसी चोट लगना छोटी मोटी जिसमें खाल को कोई प्रॉब्लम देखने में, स्किन को कोई प्रॉब्लम देखने में हो सकती है। लेकिन ऑन दी होल आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्टेटस, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, इस सब मुद्दों पर अच्छा है, यानी जो कुछ भी बुध दे सकता है उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज वो दे रहा है वो जरूर यहाँ पे देखने में आ सकता है। तुला लग्न की बात करते हैं तो चौथे घर में ये योग बनेगा और यहाँ पर बुध जो है नौवें घर के और बारहवें घर के स्वामी है। एक अच्छा है, एक एवरेज है। बारहवें घर का स्वामी थोड़ा एवरेज रहता है, ज्यादा खराब नहीं होता। चौथे घर में बैठे हैं, अच्छा है। चौथे घर में वो कारक भी है और अकेला भी नहीं है, हर लिहाज बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत फायदे की स्थिति है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लगन के भी वो यानी लग्नेश के भी मित्र हैं, तो यहाँ कुछ नुकसान नहीं होगा। आपकी भाषा से आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी इमेज को इम्प्रूव करेंगे, भाग्य को इम्प्रूव करेंगे, पिता के साथ तालमेल की स्थितियाँ ठीक रहने वाली हैं, खर्चे आपके थोड़े कंट्रोल में रहने वाले हैं, किसी तरह का कोई बहुत नुकसान होता हो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। थोड़े से फेफड़ों से संबंधित तनाव को थोड़ा सा जरूर केयर कीजिएगा, ये हल्की फुल्की समस्या देखने में आ सकती है। कभी कभी छाती से संबंधित, छाती की खाल से संबंधित है ना, स्किन, चेस्ट की स्किन से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम, किसी तरह के धब्बे, किसी तरह के दाद देखने में आ सकते हैं, स्किन डिसीज, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। वृश्चिक लगन के लिए तीसरे घर में बनेगा। अब यहाँ ये ग्यारहवें घर और आठवें घर का कंट्रोलर है, यहाँ पर फिर ये त्रिक भाव का भी स्वामी हुआ और त्रिषडाय का भी, शुभ नहीं है, लेकिन वो बैठा तीसरे में, यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बोलना चालना, हमारी भाषा की धार के कारण आपकी टॉकिंग जो अच्छी रहेगी, अपने भाइयों के साथ तालमेल, अपने जूनियर सीनियर साथ आपके तालमेल की स्थितियाँ, आपके लेबर, आपके स्टाफ के साथ आपके तालमेल की स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, यहाँ कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। उल्टा फायदा ये होगा कि आप उन्हें इम्प्रेस करने में, उनसे अपना काम निकलवाने में, उनसे टैक्टफुली अपने काम को स्प्रेड आउट करने में, किस तरीके से मेहनत करें, उस मेहनत का रिजल्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, ये सारी स्थितियाँ यहाँ पे फेवरेबल दिखाई देती है। कोई बहुत नुकसान नहीं है, आमदनी भी इम्प्रूव होगी, कुछ सेविंग्स के भी इम्प्रूव होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो लमसम ये स्थितियाँ बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं। धनु लगन के लिए दूसरे घर में आएगा। दूसरा घर धन भाव है और ये एक सातवें घर का और एक दसवें घर का कंट्रोलर है। अब दसवें घर का कंट्रोलर जब दूसरे घर में जाता है और वहीं पर वो स्वग्रही भी है, तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है यहाँ पे कि ऐसे धन प्राप्त होने की स्थितियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। अब यहाँ एक खास बात यह है कि राहु छठे भाव से बैठ करके दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा की इम्प्रूवमेंट भी हो रही है और भाषा की कठोरता भी बढ़ रही है, ये दोनों चीज़ें समझनी है, क्योंकि छठे घर में राहु बड़ा बलवान होगा और वो काफ़ी पावरफुल ताकत से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा में थोड़ा रूखापन, थोड़ा थका थका सा महसूस करना, भाषा को अप्लाई करने में कंजूसी करना, थोड़ा आलसी होना, चिढ़ के बोलना, थोड़ा सा चिल्ला के बोलना देखने में आ सकता है लमसम। इसके अलावा कभी कभी गले में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, स्टेटस के लिए फायदेमंद है, जीवन साथी के साथ तालमेल के लिए फायदेमंद है, उसमें मतलब उनके दोनों के आपस की ट्यूनिंग्स को लेकर कोई समस्या नहीं है, और जो डे टू डे की हमारी इनकम है, रोजमर्रा की आमदनी है, उनकी स्थितियां भी ठीक हैं,
तो अभी लमसम इनके लिए बहुत अच्छा है, ऐसी कोई खराब स्थिति नहीं है। मकर लगन के लिए स्थिति बेहद अच्छी है, क्योंकि लगन में यहां वो दिग्बली भी है, बलवान भी है और ताकतवर ग्रह के साथ भी बैठा है, शनि के साथ। पांचवें घर से यहां पे पूरी पूरी दृष्टि पड़ रही है। ये स्थितियां बिल्कुल ठीक रहेंगी, किसी तरीके का कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। आपकी बोली, आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यवहार, आपका अंदाज, आपका कम्युनिकेट करने का ढंग आपको लाभ देगा। वही बातें लगभग मैं बराबर बोलता जा रहा हूं सभी लग्नों के लिए, तो यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चेहरे से संबंधित कान, कान के आसपास इस तरह के किसी बॉडी पोर्शन पे आपको किसी तरह की स्किन डिसीज देखने में आ सकती है, थोड़ी सी सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। कुंभ लगन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 12वें घर में बन रही है और 8वें घर का स्वामी 12वें में गया है। कुछ हद तक तो ये विपरीत राजयोग भी है, लेकिन 5वें का स्वामी भी गया है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। संतान से संबंधित तनाव बना रहेगा, संतान की हेल्थ को लेकर के तनाव देखने में आ सकता है, संतान दूर शिफ्ट हो सकती है ऐसा भी कोई दुख देखने में आ सकता है, संतान को कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हो ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो आपकी बोली भाषा, आपका व्यवहार यहाँ आपको नुकसान दे रहा है, आप और आपके संतान के बीच में कुछ दूरियां पैदा कर सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी, अन्यथा आपको तनाव देखने में आ सकता है। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। मीन लगन की स्थिति यह है कि 11वें घर में ये योग बनेगा और चौथे और 7वें भाव का स्वामी है, तो दो केंद्रों का स्वामी है, अच्छी स्थिति है, यहाँ कोई विशेष खराब नहीं है। और 11वें घर में लगभग सभी पापी ग्रह शुभ फल देते हैं। अब सभी पापी ग्रह क्यों कहा, क्योंकि शनि पापी ग्रह है और उसके साथ में जब बुध बैठेगा तो बुध भी पापी ग्रह काउंट होगा। आमदनी को बढ़ाने के लिए आपके सारे गुण, आपकी सारी परख, आपकी सारी सामर्थ्य आप चेक होगी, फायदेमंद रहेगी, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ देने वाला है, आपकी आमदनी को शुभ फल देने वाला है, आपकी आमदनी को बहुत इंप्रूव करने वाला है, इसके अच्छे ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। तो उनका जाप करने से जिनके लिए शुभ नहीं है उनके लिए थोड़ा फायदा होगा, उसका वो लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप संपर्क कीजिए और आपको कितनी फीस किस तरह देनी है ये जानकारी दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।